हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में आप कचौरी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज मैं जो कचौरी आपके लिए लेके आई हूँ, नवरात्र स्पेशल कचौरी है। इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसके अंदर बहुत ही डिलीशियस खट्टी मीठी सी स्टफिंग है जो कि हम नारियल से बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने ये चटनी सर्व की है, ये भी व्रत वाली स्पेशल चटनी है। इसका वीडियो बाद में आपको मैं डाल दूँगी, इसके बाद डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कचौरी है, आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अभी हम मसाला बना रहे हैं स्टफिंग का। इसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप घी खाते हैं व्रत में तो आप घी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आधा चम्मच जीरा मैंने चटका लिया है, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके रखा है, वो डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ही, बिल्कुल हल्का सा सेकना है हमें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ देखिए किशमिश ली है और काजू ली है, आपकी पसंद पे है। आप खाते हैं तो डालिए, ना खाते हैं तो बिल्कुल ना डालिए। और भी कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ इसको थोड़ी सी देर सेक लिया है और किशमिश देखिए फूल गई है और काजू भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, ये फ्रेश नारियल है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये एक कप के करीब मैंने नारियल कद्दूकस किया हुआ लिया है। फ्रेश नारियल लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। मेरे पास इस तरह क्रशर में है तो मैं क्रशर में से क्रश करके डाल दूँगी सेंधा नमक। व्रत में ये वाला नमक खाया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, डेढ़ चम्मच के करीब, छोटा चम्मच डाला है मैंने। ये देखिए डेढ़ छोटे चम्मच चीनी डाली, इससे बहुत ही अच्छा मीठा सा टेस्ट आएगा। इसके बाद देखिए, आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर डाला है। इसको हम मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, हमारी स्टफिंग देखिए कितनी झटपट से तैयार हो गई, बिल्कुल हल्का सा बस हमें भूनना था इसे। उसके बाद देखिए, इसमें हल्का सा खटास का टेस्ट देने के लिए नींबू मैं छिड़क दूँगी। उप्स, ये बीज गिर गया है तो इसे मैं हटा देती हूँ। नींबू हम छिड़क देंगे, तो कम से कम एक नींबू का मैंने इसमें रस डाल दिया है, बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा इससे। इसके बाद देखिए, धनिया डाल देंगे हम, हरा धनिया, और इसको भी मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग है और बहुत ही नए तरीके की स्टफिंग है। इसको आप बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है और देखिए इस तरह का टेक्सचर होगा। ये गीली गीली नहीं है, हल्की सी मॉइस्ट है, सूखी सूखी सी है। तो आइए, स्टफिंग बना ली है हमने, अब हम ऊपर से मसाला किस में भरेंगे वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके छील के इस तरीके से देखिए मैश कर लिया है। बिल्कुल स्मूद मैश होना चाहिए ये, ताकि हम जो ऊपर से कवरिंग करें वो बिल्कुल स्मूद आए। इसके अंदर देखिए, मैं खाने वाला सेंधा नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ देखिए मैंने आरारोट लिया है, 3-4 चम्मच आरारोट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बड़े वाले खाने वाले चम्मच से। और फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आप कितना आरारोट इसमें डालते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट सा डो बनना चाहिए आपका। किसी किसी के आलू ज़्यादा गीले होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका आरारोट। तो देखिए, इस तरीके की डो हमने बना ली है आलू की, और ये थोड़ा सा मैंने आरारोट एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा तेल हाथ में लगा लूँगी, आइए कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको अभी हम स्टफिंग को ले लेंगे। देखिए, इतने साइज़ का मैंने एक लिया है, इसको इस तरीके से रोल कर देंगे। आपने अगर मेरी दूसरी कचौरी की रेसिपियाँ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, बहुत ही टेस्टी कचौरी है, प्याज की कचौरी, और अभी दाल की कचौरी भी आने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा। तो व्रत में आप इसे बना के खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से पैक कर देंगे हम, मसाला 1 से 1.5 चम्मच डाल के, और इसको रोल कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रोल कर लिया है, और हल्का सा मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दूंगी ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। हल्का सा देखिए, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है अभी से देखने में, कितना सुंदर सा हमारा ये कचौरी बॉल बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सारे बना लेंगे और एक प्लेट में निकाल के अलग करते जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको गोल गोल घुमाएंगे, इसके अंदर होल सा करेंगे और बीच में अच्छी खासी 1 से 1.5 चम्मच तक हम स्टफिंग भर देंगे, फिर इसको कवर कर देंगे अच्छे से। इसके लिए आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छा स्मूथ होना चाहिए, ये देखिए, और कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अरे ये क्या हो रहा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपने देखा अभी क्या हो रहा है, ये चोरी हो रही है पीछे से मसाले की। ये बनाते बनाते मेरे हस्बैंड बीच में से मसाला निकाल के ले गए, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था। तो अगर आपके भी घर में ऐसा होता है कि आप कुछ बनाने बैठे हैं और बीच में से ही मसाला गायब होने लग जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही फनी लगता है। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ रेसिपीज़ दिखा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, फलाहारी दही बड़े बनाए थे, नारियल के लड्डू बनाए थे, और इसके अलावा कोफ्ता बनाया था, आलू की रस वाली सब्जी बनाई थी, और ये कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई है, आलू का हलवा बनाया है, केले की चटनी बनाई है। तो ये बहुत सारी व्रत की रेसिपीज़ हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ये वाली रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो है कचौरी बना ली है, और इनको अभी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक एक करके इस तरीके से डाल दीजिए, और देखिए इस तरीके से चम्मच की सहायता से ऊपर तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, और एक बार में एकदम डाल के या हिलाइएगा मत इसको, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, उसके बाद इसको हिलाइए, बिल्कुल भी टूटने का खतरा नहीं रहेगा फिर। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे से चम्मच की सहायता से हम इसको पलटते जाएंगे और सेकते जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकना है क्योंकि आलू ऑलरेडी सिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ इसको फ्राई करके कुरकुरा करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैं फ्राई करती जा रही हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सर्व किया है हरी चटनी के साथ, जो कि व्रत स्पेशल चटनी है। मैंने अभी शूट किया है थोड़े ही टाइम पहले 3 स्पेशल व्रत वाली चटनियों को, तो आप ज़रूर देखिएगा उसकी रेसिपी भी। और ये देखिए मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको, गर्मा गर्म टेस्टी चटपटे और खट्टे मीठे से टेस्ट वाले नारियल की कचौरी हमारी तैयार है। आई होप आपको ये इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं आपकी कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार करती हूँ। तो जल्दी कीजिए कमेंट्स, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।